ड्रामा मूवी मिस्टर मम्मी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी में लीड रोल में रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की स्टोरी में एक लड़का जिसे बच्चों से बहुत नफरत होती है, वो अपनी वाइफ के साथ खुद भी प्रेग्नेंट हो जाता है। अब उसके बाद उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है, यही सब देखने को हमें इस मूवी में मिलने वाला है। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें देने की पूरी कोशिश करना। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक पर्सन अमोल को देख पाते हैं, जो कि बच्चों के स्कूल में एक फिटनेस कोच होता है, और वो पेरेंट्स मीटिंग में उन बच्चों के पेरेंट्स को प्रोटेक्शन नहीं यूज करने के नुकसान समझा रहा होता है, क्योंकि उसे बच्चों से बहुत नफरत थी और इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उन बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे करके उसके लिए सरदर्द बने। वो बच्चों से इतना क्यों चिढ़ता था ये तो हमें आगे मूवी में ही पता चलेगा। अमोल बच्चों को इतना ज्यादा टॉर्चर करता था कि सारे बच्चे उससे बहुत चिढ़ते थे, पर अमोल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हिटलर की तरह उन्हें ट्रेनिंग देने के नाम पर बस उन्हें टॉर्चर ही करता रहता था। वो बच्चे इतने ज्यादा परेशान थे कि वो दुआ करते थे कि ऐसा बाप किसी भी बच्चे को नहीं मिले। उसके बाद हमें अमोल की फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें उसकी वाइफ गुगली के साथ उसकी माँ और एक छोटा भाई खरगोश रहता था। एक दिन अमोल के बर्थडे पर गुगली के पेरेंट्स और अमोल की फैमिली मिलकर उसके घर पर एक पार्टी अरेंज करते हैं, जहां पर वो अंधेरे में अमोल को सरप्राइज करना चाहते थे। पर जब अमोल घर के अंदर एंटर करता है तो वो अपने फादर इन लॉ के गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर देता है, क्योंकि अंधेरे में वो उन्हें पहचान नहीं पाया था और उसे लगा था कि कोई चोर उसके घर में चोरी करने के लिए घुस आया है। उसके बाद वो लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अमोल अपने ससुराल वालों से भी चिढ़ता था, क्योंकि वो हर टाइम उसे एक बच्चा करने के लिए एडवाइस देते रहते थे, और अमोल को जब दूसरे बच्चे पसंद नहीं थे तो वो अपने बच्चों को क्या ही करने वाला था। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, पर अमोल ने अभी तक बच्चे की प्लानिंग ही नहीं की थी, क्योंकि वो हमेशा प्रोटेक्शन का यूज करके ही इंटीमेट होता था, ताकि उसे कोई बच्चे जैसी परेशानी फेस नहीं करनी पड़े। और आज रात को उसके साथ कुछ अलग ही होने वाला था, क्योंकि गुगली ने घर में से सारे कंडोम्स के पैकेट फेंक दिए थे और वो उसके पास आकर उसे सेड्यूस करने में लगी हुई थी, पर अमोल उस पर ध्यान नहीं देकर कंडोम्स ढूंढने में लगा हुआ था। और जब उसे कहीं भी प्रोटेक्शन नहीं मिली तो वो गुगली के साथ इंटीमेट होने से मना करने लगा। इस पर गुगली ने उससे कहा कि बच्चे तो उसे ही करने हैं ना, तो वो क्यों इतना डरता है। और तब हमें दिखाया जाता है कि अमोल बच्चों से इतना क्यों नफरत करता था। दरअसल कुछ साल पहले अमोल क्रिकेट कोच के सिलेक्शन के लिए कहीं जा रहा था, तभी कुछ बच्चों ने उसके ऊपर मजाक में बर्फ के गुब्बारे मारे थे, जिसकी वजह से बाइक से फिसलने से उसके पैर में चोट लग गई थी और उसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और उसके बाद से वो एक स्कूल में मामूली से कोच की जॉब कर रहा था। वहाँ भी उसने अपने प्रिंसिपल से बड़े बच्चों को ट्रेंड करने के लिए कहा था, पर उन्होंने उसे छोटे बच्चों के साथ डाल दिया था, और तब से ही बच्चे उसे सिर्फ इरिटेट ही करते थे। और उस आर्गुमेंट के बाद अमोल गुस्से में रूम से बाहर चला जाता है, जहाँ पर उसका भाई खरगोश उसे एक कंडोम का पैकेट देता है ताकि वो भाभी को जाकर खुश कर सके। अब जब अमोल उसे लेकर गुगली के पास जाने लगता है तो कई बार उसका दिल उसे आगे बढ़ने के लिए रोकता है, पर गुगली को देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो गुगली के पास पहुंचकर उसे मनाते हुए कहता है कि अगर उसने उसे अगली बार परेशान किया तो वो भी उसके दर्द को साथ में भुगतेगा। और फिर क्या था, वो दोनों प्यार के समंदर में डूबते चले गए। और उसी बीच खरगोश को पता चला कि उसने अमोल को एक्सपायरी डेट का कंडोम दे दिया है, यानी जिस परेशानी से अमोल इतने सालों से भागता आ रहा था वो परेशानी अब उसकी लाइफ में दस्तक देने वाली थी। अब नेक्स्ट सीन में कुछ दिन बाद अचानक से गुगली के पेट में दर्द होने लगता है और वो अपने फैमिली डॉक्टर ससंगी के पास चेकअप के लिए आती है। और जब वो गुगली का चेकअप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गुगली प्रेग्नेंट है, और ये सुनकर गुगली शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने तो प्रोटेक्शन यूज किया था। जिस पर डॉक्टर ससंगी कहते हैं कि लाइफ और कंडोम कभी भी सरप्राइज दे सकते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में बच्चे अमोल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर देते हैं और एक पोस्टर बनाकर अमोल को पागल घोषित करने में लगे हुए होते हैं। इसलिए अमोल इस बारे में उन बच्चों की कंप्लेंट प्रिंसिपल से जाकर करता है, पर वहां पर बच्चे इतने ज्यादा मासूम बन जाते हैं कि अमोल की कोई भी बात प्रिंसिपल पर असर ही नहीं डालती है, और वो गुस्से में अपने घर पर आ जाता है, जहां पर अमोल गुगली की प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख लेता है और उसकी वजह से उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि अमोल को वो बच्चा नहीं चाहिए था और गुगली उसे अबॉर्ट कराना नहीं चाहती थी। और वो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गुगली अमोल को छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन 2 मंथ बाद का दिखाया जाता है, जहां अमोल गुगली से माफी मांगने के लिए उसके घर पर आता है।
पर वहाँ पर उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही होती है कि वो गूगली से बात कर सके। और तभी वो गूगली को बालकनी में वॉमिटिंग करते हुए देखता है और सेम टाइम अमूल को भी वॉमिटिंग होने लगती है और वो कुछ समझ नहीं पाता है। उसके बाद वो डॉक्टर सत्संगी के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसे कुछ दिनों से वॉमिटिंग हो रही है और उसे बार बार टॉयलेट भी जाना पड़ रहा है, साथ ही उसका मूड भी स्विंग होता है। और ये सारे सिम्टम्स सुनकर डॉक्टर सत्संगी उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर वो हंसने लगता है और डॉक्टर सत्संगी को पागल कहने लगता है क्योंकि एक मेल कैसे प्रेग्नेंट हो सकता था। तब डॉक्टर सत्संगी उससे कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ दिन बाद उसका पेट बाहर निकलने लगे और उसकी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी बढ़ जाए। पर उस टाइम तो अमूल गुस्से में उनकी बात पर यकीन नहीं करके वहां से चला जाता है और कुछ दिन बाद उसे गूगली की बहुत याद आने लगती है, इसीलिए वो उसे वापस घर बुलाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, जहां पर वो उसे मना भी लेता है। पर जैसे ही बच्चे की बात आती है तो अभी भी अमूल यही चाहता था कि गूगली अबॉर्शन करा ले। और ये बात सुनकर गूगली का गुस्सा फिर से हाई हो जाता है और वो अमूल को वहां से जाने के लिए कहने लगती है। तभी उन दोनों को ही एक साथ वॉमिटिंग होने लगती है और अमूल घर आकर गूगल पर प्रेग्नेंट मैन सर्च करता है, जिससे उसे कई सारे प्रेग्नेंट मैन की तस्वीरें दिखाई देती जिनके पेट बाहर निकले हुए थे। और अब अमूल का भी पेट थोड़ा बहुत बाहर आने लगा था, इससे उसे लगने लगता है कि कहीं डॉक्टर सत्संगी सही तो नहीं बोल रहे थे, वो कहीं सच में तो प्रेग्नेंट नहीं हो गया। और फिर कुछ दिन बाद जब 6 महीने हो जाते हैं और अमूल का पेट बहुत बाहर आ जाता है तो वो डॉक्टर सत्संगी के पास आता है और उनसे कहता है कि अब तो उसके बूब्स भी बढ़ने लगे हैं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। इसीलिए डॉक्टर सत्संगी उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, जहां वो बताते हैं कि उसके पेट में सच में बच्चा है। और तभी अमोल को अंदर से बच्चे के किक मारने का एहसास हो जाता है और उसे भी लगने लगता है कि वो वाकई में प्रेग्नेंट है। अब उसे अपनी उस रात की कही हुई बात याद आती है जब उसने गूगली से कहा था कि अब से वो भी उसके दर्द को महसूस करेगा। उधर गूगली बाथरूम में होती है जो कि उसके पेरेंट्स के रूम में था, और तभी वहां पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और वो दोनों रोमांस करने की प्लानिंग में होते हैं। तभी गूगली बाहर आकर कहती है कि उसके बच्चे को नाना नानी चाहिए, ना कि इस उम्र में मामा। दूसरी तरफ अमोल अपना पेट छुपाने के लिए अपनी माँ के ओल्ड कपड़ों को पहनकर घूमने लगता है जो वो प्रेगनेंसी के टाइम पर पहना करती थी। अब प्रेगनेंसी की वजह से अमोल को खट्टा खाने का भी मन करता है, इसलिए वो स्कूल में बच्चों के टिफिन से सारा अचार खा जाता है। और जब बच्चे इस बारे में प्रिंसिपल से उसकी कंप्लेंट करते हैं तो प्रिंसिपल उसे जॉब से निकाल देते हैं क्योंकि उसकी हरकतें उन्हें भी बहुत अजीब लग रही थी। उसके बाद से अमोल और ज्यादा अकेला महसूस करने लगता है और जब भी वो गूगली से बात करने के लिए फोन करता था तो उसे बिना बात किए ही फोन कट कर देता था क्योंकि उसकी उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं हो पाती थी। अब बहुत ज्यादा परेशान होकर एक दिन अमोल ड्रिंक करके गूगली के घर के बाहर पहुंच जाता है, जहां पर उसका भाई खरगोश भी ड्रिंक कर रहा होता है और वहां पर वो एक न्यूज एंकर रोमिला के ख्वाबों में खोया हुआ होता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। इसलिए अमोल रोमिला से उसकी सेटिंग कराने के लिए रोमिला को वीडियो कॉल कर देता है। और सुबह जब अमोल अपने घर का डोर ओपन करता है तो रोमिला अपने कैमरे के साथ उसके सामने आ जाती है और वो उससे पूछ रही होती है कि वो पहले ऐसे पापा हैं जो प्रेग्नेंट हुए हैं, उन्हें इस प्रेगनेंसी में कैसा महसूस हो रहा है। यह सब देखकर जल्दी से अमोल गेट बंद कर लेता है और खरगोश के पास आकर उससे पूछता है कि सब क्या हो रहा है। तब वो उसे रात की वीडियो दिखाता है जिसमें अमोल ने नशे में रोमिला को बता दिया था कि वो प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर अमोल को ये भी पता चल जाता है कि खरगोश ने ही उसे एक्सपायरी डेट का कंडोम दिया था, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम शुरू हुई थी। इससे अमोल को बहुत गुस्सा आता है और वो खरगोश पर गुस्सा करने लगता है। और अब रोमिला के शो पर डॉक्टर सत्संगी आकर अमोल की पूरी सच्चाई को सबके सामने ओपन कर देते हैं। इससे अब हर किसी को अमोल की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है और अमोल की माँ इसके बारे में अमोल से पूछने लगती है, पर उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता है। और इसीलिए अमोल डॉक्टर सत्संगी के पास पहुँच जाता है क्योंकि उसने ही अमोल की सच्चाई को खुद की पब्लिसिटी के लिए वायरल कर दिया था। वहाँ पर पहले से ही गूगली आई हुई होती, जहाँ पर डॉक्टर सत्संगी गूगली को बताते हैं कि उन दोनों की प्रेगनेंसी एक साथ ही शुरू हुई थी। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और तभी रास्ते में अमोल भी उसके साथ हो लेता है क्योंकि वो उस टाइम पर बुरखा पहने हुए था तो गूगली उसे पहचान नहीं पाती है। वहाँ पर गूगली बताती है कि उस रात अमोल बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, तो इसीलिए हो सकता है कि इस ऊपर नीचे के चक्कर में उसका थोड़ा बहुत स्पर्म उसके अंदर ही चला गया हो और वो प्रेग्नेंट हो गया हो। पर इसके चक्कर में गूगली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी
और ये बात अमोल को बहुत परेशान किए जा रही थी, इसीलिए वो नेक्स्ट डे गुगली के पास फिर से उसे मनाने के लिए जाता है। पर वहां पर उसे अपने फादर इन लॉ से पता चलता है कि गुगली तो इन सबसे परेशान होकर अपनी नानी के घर जाने के लिए बस स्टैंड गई है, और ये सुनकर वो उसे मनाने के लिए बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ता है। जहाँ पर पहुँच कर बस में अमोल गुगली से घर चलने के लिए कहता है, तब गुगली कहती है कि उसने अकेले इस दर्द को हर रात झेला है। और इस पर अमोल के मन में भी एक बात आती है कि उसने भी तो सेम दर्द को अकेले ही झेला है। और तभी अचानक से गुगली के लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, और उसे सही टाइम पर हॉस्पिटल ले जाने के लिए अमोल खुद ही बस चलाने लगता है, क्योंकि उस टाइम पर उसका ड्राइवर बस में नहीं था। तभी रास्ते में अमोल का भी लेबर पेन शुरू हो जाता है, और उन दोनों को ही डॉक्टर सत्संगी के हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ पर उन दोनों की ही एक साथ डिलीवरी होनी थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर सत्संगी का जुड़वा भाई डॉक्टर लाखन आता है, और वो वहाँ पर आकर गुगली को बताते हैं कि उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं और अमोल के पेट में कोई भी बच्चा नहीं। दरअसल अमोल को सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी थी, जिसमें अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी दर्द को पति अपने अंदर महसूस करने लगता है, और उसके साथ वो सब होता है जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर होता है। और ऐसा तब होता है जब कोई अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके दर्द को खुद भी महसूस करना चाहता है, जिसके बाद उसकी बॉडी भी अपनी वाइफ की बॉडी की तरह ही रिएक्ट करना शुरू कर देती है। और डॉक्टर सत्संगी ने झूठ इसीलिए बोला था क्योंकि वो पब्लिसिटी के चक्कर में गुगली से पैदा दो बच्चों में से एक को अमोल का बच्चा बताना चाहते थे। यह सब सुनने के बाद अमोल का पर्सपेक्टिव एकदम से चेंज हो जाता है, और इतने दिन वो प्रेगनेंसी के दर्द को महसूस करके समझ चुका होता है कि बच्चे कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और इसलिए अब वो अपने पैदा हुए बच्चे को गोद में लेकर रोते हुए कहता है कि आज तक वो बच्चों से नफरत करता आया था, पर आज उसे पता चला कि बच्चे कितने ज्यादा खूबसूरत और प्यारे होते हैं, और अगर उन्हें खुश रहना है तो आज ही रहो, कल का कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए। और इसके बाद गुगली अपने दोनों बच्चों को जन्म देती है और उनका परिवार फिर से एक हो जाता है।